हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे मसाला सोया चाप, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चाप को वॉश करके उसके अंदर की स्टिक को बाहर निकालेंगे। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसको गरम तेल में फ्राई कर देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। फ्राई होने के बाद हम चाप को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कर्ड लेंगे, उसके बाद एक छोटा चम्मच काली मिर्च का और स्वाद अनुसार नमक, और साथ में देगी मिर्च और चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्राइड करी हुई चाप को डाल देंगे और उसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चाप को मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर मैंने जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और काली मिर्च को हम गरम तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। और अब हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ अनियन। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसमें नमक डालेंगे और इस पे हम ऐड करेंगे टमाटर की पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला, और साथ में हम डालेंगे देगी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डालेंगे रेड चिली पाउडर। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा वाटर। और इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चाप। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक प्लेट से ढक देंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक पकने दें। पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और हमारी मसाला सोया चाप बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।